हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनाइन ब्रीडर हूँ। आज मैं जिस ब्रीड के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही रेयर ब्रीड है इंडिया में। अभी नो डाउट कुछ लोग उसको ब्रीड कर रहे हैं, एक दो लोग शायद आई थिंक जो मैं जिनको जानता हूँ वो अभी ब्रीड करने के लिए कर रहे हैं, बट अभी इंडिया में कोई ब्रीड नहीं हुआ। इस ब्रीड का नाम है प्रेसा कैनेरियो। ये एक स्पेनिश ब्रीड है। अगर हम ब्रीड के बारे में बताएं तो स्पेनिश ब्रीड होने के साथ साथ वहाँ पे जो इनको यूज़ करते थे वो एक गार्डिंग के लिए और हर्डिंग के लिए इन डॉग्स को यूज़ किया जाता था, और उससे पहले इनको डॉग फाइट में भी यूज़ किया जाता था। अब जैसे डॉग फाइट्स वगैरह भी उतना ज़्यादा होती नहीं है, यहाँ इंडिया में तो बिल्कुल ही बैन है, किसी तरह की नहीं होती, बट हर्डिंग के लिए अभी भी लोग इनको यूज़ करते हैं इन डॉग्स को। अगर हम इन डॉग के बॉडी वेट की और साइज़ की बात करें तो ये एक जाइंट साइज़ की ब्रीड है, और इसका अगर हम साइज़ देखें तो 26 इंच के आसपास मेल का साइज़ चला जाता, मे भी थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत कम हो सकता है, और फीमेल का साइज़ भी 24 इंचेस के आसपास हो जाता है। एंड बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो बॉडी वेट इन डॉग्स का 65 से 70 केजी तक मेल का बॉडी वेट चला जाता है, और 55 से 60-65 तक फीमेल का बॉडी वेट हो जाता है। तो अभी जैसे मेरे पास पप्स हैं, ये अभी 6-6 महीने के बच्चे हैं, 6 मंथ के बच्चे हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनके वीडियोस में करूंगा, तो 6-6 महीने के बच्चे हैं। तो अगर हम 6 मंथ के बच्चे का भी बॉडी वेट देखें तो ये 35 प्लस ही हैं दोनों, एक मेल और एक फीमेल मैंने अभी इम्पोर्ट किया है। जो बॉडी वेट है वो भी उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी हैवी है पप्स, तो जिसको देख के जैसे पहले मैंने कभी लाइफ में मैंने तो एडल्ट डॉग तो ये देखे नहीं है, बट जो पढ़ा है और वही सब चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर बच्चे का बॉडी वेट 35 केजी है तो नो डाउट इनका तब तक ये यंग होंगे तो मे बी 65 और 70 केजी तक वेट हो जाएगा। हम अगर इनके टेम्परामेंट की अगर बात करें इस डॉग के, तो अभी तक जितना मैंने इन डॉग्स के साथ रहा हूं, जैसे 2-2.5 महीने से ये डॉग मेरे साथ हैं, पप्सी हैं अभी, तो बहुत अच्छा टेम्परामेंट है। जैसे मेरे फार्म पे और भी लड़के हैं यहाँ पे, या फिर मैं हूँ या फिर मेरा स्टाफ है, तो उनके साथ बहुत ही अच्छे से ये डॉग रह लेते हैं किसी तरह की। अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या कुछ है। नो डाउट थोड़े से हैं क्योंकि गार्ड डॉग है, दूसरे डॉग्स को लेके थोड़े से ये कई बार गुस्सा हो जाते हैं, बट उस तरह का बिहेवियर नहीं है कि हाँ कि गुस्सा ही रहेंगे या फिर बाइट करते हैं या स्टाफ को बाइट कर देंगे, या मुझे कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम इनके साथ मैंने फेस नहीं की है इन डॉग्स के साथ। और दूसरे अगर हम स्ट्रेंजर्स की बात करें तो ये स्ट्रेंजर्स के लिए थोड़े से एग्रेसिव हैं डॉग, जो अभी तक मैंने इन बच्चों के साथ देखा है, क्योंकि पहले से ये इंडिया में नहीं थे या थे तो हमने देखे नहीं, मैंने तो पर्सनली नहीं देखे, मैं झूठ बोलूँगी मैंने देखे हैं बट मैंने पर्सनली नहीं देखे। तो अभी जो चीज़ें देखी हैं कि स्ट्रेंजर्स को लेके ये थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, कोई अगर नया जैसे इनके ग्रुप्स के जो डॉग्स हैं जो इनके साथ में रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं, बड़े प्लेफुल हैं, बड़े अच्छा खेलते हैं, और नया अगर कोई डॉग्स आता है या नया कोई स्ट्रेंजर्स या मेरे फ्रेंड्स या कोई भी आते हैं या कोई भी बंदा आता है तो थोड़े से गुस्सा होते हैं, बट उनके साथ कुछ टाइम के बाद अगर ये वो इनके साथ रहते हैं तो ये बड़े कूल हो जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिर पूरे दिन उनको देख के या गुस्सा करेंगे या काट लेंगे, वो सब चीज़ें अभी तक नहीं है इनके साथ। एंड ऑल और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो जैसे जैसे हम इनको अभी आगे रखेंगे तो वो हमें पता लग जाएगा कि अभी तक तो जैसे 6 मंथ का ये है तो 6 मंथ 2 महीने तो 2 मंथ में 2-2.5 महीनों में जितना हमने इनको मतलब देख पाए हैं समझ पाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही लगता है कि अभी तक बहुत अच्छा टेम्परामेंट है इनका। आगे देखते हैं इनका क्या टेम्परामेंट रहता है, वो आगे जो भी वीडियोस होंगे उनमें हम आपको बताएंगे। मैं अगर इनको इनसे डॉग्स के लेके इनकी हेल्थ वाइज अगर हेल्थ को लेके बात करूँ तो बड़े हेल्दी डॉग है। अभी तक मुझे इतने टाइम में किसी भी तरह की कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं हुई, जैसे और डॉग्स के साथ वेदर अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बट अभी तो हमने इन्हें तो इन्होंने थोड़ी सर्दी देखी है बट अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी भी ठीक ठाक है, तो गर्मी में भी उनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन डॉग्स को, बिकॉज ये ना बहुत शॉर्ट कोट ब्रीड है, बहुत छोटा कोट है, स्मूथ कोट है, जिसकी वजह से गर्मी कम लगती है, साथ में डिजीज़ भी नहीं है। अगर हम देखें तो कुत्तों को किसी अभी तक हमने डिजीज भी फेस नहीं की है इस ब्रीड में। और खाने की अगर हम बात करें कि इनकी डाइट्स एंड सारी चीज़ें, तो मैं पर्सनली अपने डॉग्स को नॉनवेज ही देता हूँ, थोड़ा बहुत डॉग फूड भी देता
देता हूँ, नॉनवेज देता हूँ, बट अभी तक ये नॉनवेज पे बहुत अच्छे चल रहे हैं डॉग। किसी तरह की मैंने खाने को लेके भी इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी कि बड़े मूडी कुत्ते हैं, जैसे मैंने देखा है काफी डॉग्स में बड़े मूडी होते हैं कि ये चीज खाते हैं ये चीज नहीं खाते हैं या कम खाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी अगर कभी लग रही है तो खाना छोड़ देंगे, सर्दियों में खाना छोड़ देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी बड़ी हेल्दी है और टाइम भी मुझे कम हुआ है, इतना ज्यादा टाइम इन डॉग के साथ नहीं हुआ है। तो अभी तक तो ओवरऑल खाने को लेके भी इनके साथ कोई प्रॉब्लम किसी तरह की मैंने फेस नहीं की है। हम इस ब्रीड के अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो जैसे जाइंट साइज की ब्रीड है, बड़ी ब्रीड है, तो एक्सरसाइज की इसको थोड़ी नीड है, थोड़ी क्या, मैं तो कहता हूँ अगर डॉग तो कोई भी हो, किसी भी डॉग को बिना एक्सरसाइज के आप ना रखें, और ये तो बड़े डॉग हैं, एक्सरसाइज की इनको बहुत ज़रूरी नीड है। और अगर कोई पेट ऑनर इनको लेना चाहता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े साइज की ब्रीड है, टेम्परामेंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे डॉगों का भी मैंने देखा है काफ़ी, कुछ जो टॉय ब्रीड्स होती हैं उनके टेम्परामेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बट इनके टेम्परामेंट अच्छे हैं। बट मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनके पास फ्लैट्स हैं या छोटी जगहें हैं, ये डॉग उनके लिए नहीं बने हैं, वो लोग इन डॉग्स को ना लें। अगर वो लोग इन डॉग्स को लेते हैं तो उनके लिए ये एक तरह की प्रॉब्लम ही है, क्योंकि बड़े साइज के डॉग हैं, वो डॉग भी तंग रहता है, एक जैसे ये एक साल डेढ़ साल दो साल के होते हैं तो डॉग भी तंग रहने लगता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि तब साइज बड़ा हो जाता है और ओनर भी तंग हो जाते हैं इनसे। तो बेटर है कि वो इन डॉग्स को ना लें। और जैसे जैसे अभी ये हमारे पास रहेंगे, अभी 6 मंथ के हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, हम इनके और भी वीडियोज या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर हम इस ब्रीड के साथ फेस करते हैं, क्योंकि हम खुद भी इस ब्रीड के साथ नए हैं, अभी हम इसके ब्रीड के साथ हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, हम खुद इस ब्रीड के साथ नए हैं, तो जैसे जैसे हम इनके साथ काम करते जाएंगे और धीरे धीरे हम इनके वीडियोस मंथ में टू मंथ में आपको जरूर वीडियोस बताएंगे क्या प्रॉब्लम्स इस ब्रीड के साथ हम फेस कर रहे हैं और क्या अच्छी चीजें इन ब्रीड के साथ हैं, क्योंकि अभी तो ये पपी है, जैसे जैसे बड़े होंगे तो एडल्ट होंगे तो वो जो एक मैच्योरिटी ब्रीड के अंदर आती है उस मैच्योरिटी का भी हमें पता लगेगा कि भाई ये ब्रीड में कोई प्रॉब्लम ये है या ये चीजें अच्छी हैं। तो वो भी हम आपको, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हम उसको सारा वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे वो सारी चीजें। आपको मेरे द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।